वो ना एसपीजी कमांडो है ना उसने एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग ली है, ऐसा हम इंसान जिसको सेना भी कर रही सलाम। अमरनाथ के भक्तों पर होने वाला था हमला, लश्कर के दो आतंकी बना रहे थे प्लान, तभी प्रकट हुए बाहुबली हनुमान। वो डोभाल नहीं है लेकिन दिमाग से कर दिया कमाल, ये है भारत का नया बाहुबली। आप भी कहेंगे सैल्यूट बॉस। भारत में लाठी वाला इतना बलशाली था कि उसने AK-47 वाले कसाब को पकड़ा था, अब एक निहत्ते आम इंसान ने लश्कर के दो ट्रेंड आतंकियों को पकड़ा है। आम तौर पर हम देखते हैं कि कोई आपको नकली बंदूक भी दिखाए तो अक्सर लोग भाग जाते हैं, लेकिन आतंकियों से लोहा लेने वाला व्यक्ति कौन है, उन गांव वालों ने ऐसा कमाल कैसे किया, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तब आप कहेंगे इस देश का बच्चा बच्चा अग्निवीर है। ये कहानी है दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की, जहां के तकसन गांव में रविवार की रात काली होने वाली थी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के लिए दो लोग पूरी तैयारी से पहुंचे थे, उन्हें बस एक महफूज ठिकाने की जरूरत थी। जैसे वो तकसन गांव के जंगलों में पहुंचे, एक ढोक दिखा। ढोक पहाड़ों में रहने के लिए बना अस्थाई ठिकाना होता है, लेकिन वो उसमें घुस पाते उससे पहले ही एक व्यक्ति ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। कहानी के पहले 5 मिनट में ऐसा लगा जैसे शिकारी ने शिकार कर लिया, लेकिन अगले 5 मिनट बाद ऐसा हुआ कि शिकारी का ही शिकार हो गया। एक व्यक्ति जिनका नाम नहीं ले सकते, उनके सामने दो हथियार लैस आतंकी खड़े थे। पहले पकड़ा, फोन बंद किया, दो थप्पड़ मारा, खाने के लिए पूछा, रास्ते की जानकारी पूछी और बोला किसी को बताया तो मार देंगे। वो भारत का एक आम व्यक्ति हाथ जोड़ रहा था कि आप शिव भक्तों पर ऐसा मत करिएगा, आतंकी हमले को अंजाम मत दीजिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। वो उसे और मारते और पकड़कर अपने पास बैठा लेते, लेकिन भारत में कहा जाता है बने रहो पगला काम करे अगला। उसे मारने पीटने के बाद थके हुए आतंकी सो जाते, बस यही वो गलती थी जिसने आतंकियों का वक्त खराब कर दिया। वो चाहता था भाग जाता, लेकिन वो उन्हें पकड़वाना चाहता था। उस व्यक्ति ने ना पुलिस को फोन किया, ना आर्मी से बात करता है, सीधे भाई को फोन लगाता है, और जो आगे होता है वो बेहद दिलचस्प है। छोटा भाई, हेलो भैया, हमें दो लोगों ने पकड़ लिया है, वो मुझे मार देंगे, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। बड़ा भाई, हेलो हेलो, कहाँ से तुम, किसने पकड़ा है, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। छोटा भाई, आप फोन कटने के बाद दोबारा ट्राई मत करना, मैं ढोक के पास हूँ, उन्होंने मेरा फोन बंद करवा दिया है, आप किसी तरह हमारे पास आ जाओ। बड़ा भाई, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर अभी आता हूँ, तुम हिम्मत रखो, हम हर हाल में तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करना। इतना कहते ही फोन कट जाता है। बड़ा भाई परेशान इधर उधर घूमता है, कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करता है और सीधा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दोनों आतंकी बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे ही एक ने गांव वालों को देखा, उसने छलांग लगाकर हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे पर ही गिर गया, और तब तक गांव वालों ने अंदर पहुंचकर दोनों को पकड़ लिया। उनके बैग में जब हथियारों का जखीरा देखा तो समझ गए कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। फिर पुलिस को फोन किया और 1 घंटे के अंदर आर्मी भी पहुंच गई। तब तक इन्होंने उन लोगों को रस्सियों से बांध कर रखा था। ये कितने कुख्यात थे, पुलिस ने बताया तो गांव वालों के भी होश उड़ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि लश्करे तैयबा से जुड़े तालिब हुसैन और फैजल अहमद डार अमरनाथ यात्रियों पर हमले की प्लानिंग बना रहे थे। तालिब हुसैन जम्मू बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सोशल मीडिया प्रभारी रह चुका है, बाद में पार्टी छोड़ दी, यानी नेताओं से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध से जोड़कर भी देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। देश ने अब तक 2 प्रधानमंत्री खो दिए, पीएम मोदी को कई बार धमकी मिल चुकी है, इसलिए आतंकी ये तरीका भी अपना सकते हैं, ऐसी आशंका है। जम्मू कश्मीर में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब आतंकियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। इससे पहले 2015 में पाकिस्तानी आतंकी नावेद को भी पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के DGP ने जब ये बात सुनी कि ग्रामीणों ने पकड़ा है तो खुले दिल से तारीफ की, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पीएम मोदी और अमित शाह भी इन गांव वालों की कहानी सुनेंगे तो इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। हो सकता है मोदी जम्मू कश्मीर जाएं तो अगली बार इनसे मुलाकात भी करें, और आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक को खत्म करने के लिए ऐसा ही कोई प्लान बनाया जाए जिसका नेतृत्व सिपाही की जगह गांव का हर युवा करे। कभी मौका मिले तो देश की सेवा करना, वर्दी पहनकर ही सेवा होगी ऐसा नहीं।